एक्वास्टार नहीं है क्या? घर या ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। नमस्कार, अनुज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमें हमारे स्टूडियो पर सवेरे हमने आपको जीवन अस्पताल का एक न्यूज़ दिखाया था, जो कदम तला के एक 29 वर्षीय निवासी का जो है डेथ हुआ, उसको लेकर उनके घर वालों ने हमसे बात की और इस विषय को लेकर हमारे एकमात्र सांसद MP जी का भी एक वॉइस क्लिप जो है वायरल हुआ था और उसी सिलसिले को लेकर उसका हम आपको अपडेट देते हैं। हमने सवेरे आपको जो न्यूज़ दिखाया, अब जो है उनके घर वालों से हमने बात किया तो उनका बॉडी जो है बिना पोस्टमार्टम किए यहाँ से वो लोग जो है कदमतला ले जा रहे हैं। तब हमने उनसे फ़ोन में बात की, उनका ये कहना है कि पोस्टमार्टम करके फ़ायदा ही क्या है जब रिपोर्ट जो है मेडिकल के जो हॉस्पिटल है उसके पक्ष में आएगा, उनका ये कहना था। और काफ़ी आश्चर्यचकित ये बात है और सुन के हमें भी काफ़ी ख़राब लगता है कि ऐसा कुछ जो है जीवन अस्पताल में हो रहा है। तो इस सिलसिले को लेकर और एक वॉइस क्लिप जो है वायरल हुई थी और उसमें जो है कदमतला के BJP के कार्यकर्ता है ज्योतिर्मय बवाली जी ने प्रोटेस्ट को लेकर जो है कुछ बात कहा था। उनका ये कहना है कि वहाँ के वो निवासी हैं और वहाँ की जो व्यक्ति के साथ जो हुआ है जीवन अस्पताल में, इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है वहाँ के लोगों का, कदमतला में लोगों का। तो बॉडी जो है कदमतला के लिए निकल चुकी है और इस समय जो है वो लोग बैरटन क्रॉस हो रहे हैं। तो हम आपको एक वॉइस क्लिप भी सुनाएंगे आपको, जो ज्योतिर्मय बवाली जी का जो है BJP के कार्यकर्ता, उसका वॉइस क्लिप एक वायरल हुआ था। उसके बाद हमने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के द्वारा जो है उससे एक इंटरव्यू भी लिया है, तो वो भी हम आपको सुनाते हैं। फिर हम आपको बता दें कि बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के यहाँ से ले जाया गया और घर वालों का ये कहना है कि पोस्टमार्टम करके फ़ायदा ही क्या है कि जब रिज़ल्ट उनके पक्ष में ही आएगा, मीन जो हॉस्पिटल के पक्ष में। तो काफ़ी ये ख़राब बात है, तो इसके हम कड़ी निंदा करते हैं। और चलिए हम आपको ज्योतिर्बवाली जी का जो है हम आपको वॉइस क्लिप प्लस उनसे जो बात हुई है प्रोटेस्ट को लेकर वहाँ पर, वो हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार इस ग्रुप के सभी सदस्यों को, बड़े दुखी मन से सूचना दे रहा हूँ कि कुछ लोग आप सुने होंगे कि कदमतला का प्रणीत परामाणिक, हमारे शिक्षक वासुदेव परामाणिक जी का बेटा 27 वर्ष के हैं, जिनको कदमतला अस्पताल से JB Pant में रेफर किया गया था और JB Pant में चिकित्सा के दौरान आज सवेरे उनका अचानक मौत हो गई है, जिससे हम सभी कदमतला के लोग बड़े दुखी हैं। इससे पहले भी JB Pant में युवक युवतियां बहुत अचानक मृत्यु हुई है, जिसको लेके प्रोटेस्ट भी हुआ है और आज भी हम लोग इस संदर्भ पर कदमतला बाजार में शाम को 4 बजे एक प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, JB Pant की चिकित्सा व्यवस्था और भी सुधार हो, क्योंकि नए नए डॉक्टर पढ़ के आके ये लोग क्या एक्सपेरिमेंट करता है, चल के जाता पेशेंट डेथ होके आता है, ऐसा प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना ज़रूरी है। और माननीय MP साहब ने भी दिल्ली से अपील किया है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी पत्र भेज रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग ये कदम उठाए हैं कि कदमतला बाजार में 4 बजे हम लोग एक विरोध प्रदर्शन प्रशासन के खिलाफ करेंगे। आप सभी को सूचना दी जाती है, आप व्यक्तिगत रूप से आ करके हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में भाग लीजिएगा। किसका किस्मत में क्या है क्या पता है, आने वाला दिन ऐसा JB Pant मेडिकल कॉलेज में, अंडमान निकोबार के मेडिकल कॉलेज में और ना हो, इसलिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण होगा, प्रशासन के खिलाफ होगा। धन्यवाद जी। मैं रोहित बोल रहा हूँ, न्यूज आप तक से। जी, मैं BJP कार्यकर्ता और आपकी भारतीय जनता पार्टी के अंडमान निकोबार के प्रदेश महामंत्री हूँ।
जी सर, आपका एक वॉइस क्लिप जो है ना वो एक जो है फिलहाल वायरल हुआ है, और हमने जो है न्यूज कवर किया था आपका वहाँ का जो है एक पेशेंट का जो जो जीवन अस्पताल में उसका देहांत हुआ है, तो इसके बारे में सर आपने एक वॉइस क्लिप भी शेयर किया था, देन आपसे पहले जो है एमपी साहब ने भी एक वॉइस क्लिप शेयर किया था, तो इसके बारे में सर आप बताइए। और जहाँ तक हमें सुनने में आए कि आप लोग वहाँ पर जो है धन ऑपरेशन करेंगे, तो इसके बारे में क्या है आप हमें जरा खुल के बताइए सर। जी आज ही सवेरे जी जिनका देहांत हुआ है जीवी पद अस्पताल में, वो कदम तल्ला का आप तो अनित परामानिक उनका नाम है, पिताजी स्कूल टीचर है। हाँ। तो उनका पिताजी का ही वासुदेव परामानिक जी का फोन आया था मेरे पास, उनका फोन आया था फादर का जी। तो मेरा बेटा का अचानक अभी जीवी पद में सवेरे 6 बजे डेथ हुआ, मैं शॉक आ गया कि कल ही तो यहाँ से रेफर हुआ है। अच्छा। बच्चा का क्या क्या तकलीफ था पूछा तो यूरिन थोड़ा ब्लॉक था, हो रहा था कम हो रहा था, ठीक है, यूरिन में प्रॉब्लम था। तो जाने के बाद तो वो लोग साथ में गए, मतलब तो ट्रीटमेंट चल रहा था जी। उनका कहना है कि क्या इंजेक्शन पुश हुआ उसके बाद में बेटा जो है थोड़ा अबनॉर्मल का रोल करने लगा था, नॉर्मल जैसा लगा जी। उसके बाद में और भी कुछ इंजेक्शन पुश हुआ क्योंकि हम लोग सामने नहीं है, उनका फादर का जो स्टेटमेंट था उसके बाद जो और भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ उनके फादर ने ना सर, उनका फादर जो है सवेरे उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल करके मुझे जो है ना सारा जो जो घटना घटी है बताया, और जो उनका ये कहना था कि मतलब न्यूज आप की तरफ से हम आए और क्या सच है क्या झूठ है वो दिखाएं, तो उन्होंने जो जो है इंटरव्यू दिया और उनकी बेटी देन मतलब परमानिक जी की बेटी और उनकी वाइफ ने भी जो है इंटरव्यू दिया उन, और इंटरव्यू में उन्होंने काफी कुछ हमें कहा भी है, और वो तो हम न्यूज अलग से सर दिखाएंगे, लेकिन आप भी बता दीजिए सर, क्योंकि देखिए जो भी हुआ काफी गलत गलत हुआ है, आपको खुद पता है सर कि बैक टू बैक एक 6 तारीख को एक डेथ हुआ था विमला जी का, जिसको आज तक का न्याय नहीं मिला है, उसके 2 दिन बाद ही देखिए कचाल से एक व्यक्ति का जो है वहां से उसे रेफर किया गया था, मदी जी का, उसका भी अभी तक कुछ जो है क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं मिले। देखिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा जी कि जो भी हो रहा है जी ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि आप सोच करके देखिए जिसका 26 25 27 28 साल का बेटा बेटी या जो बिमला जी का घटना था ये बड़ा दुखद है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जिसके लिए अंडमान के लोगों में आक्रोश है जी। और रोहित जी मैं आपके माध्यम से और एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि भगवान ना करे ऐसा और आगे हो जी। इतनी डेथ जीवी पद में हुई और उसमें उत्तरी तथा मध्य अंडमान में इतनी डेथ के सभी जितना मतलब शब आपका गाड़ी आता तो हमें पता चलता जी, मोर्चरी वैन आता है नॉर्थ मिडिल में कंटिन्यू आ रहा है। अच्छा। मतलब हम लोग भी चंबी थे कि भगवान हमारे लिए क्या दिन दिखा रहे हैं। अच्छा। तो हम भी बहुत दुखी है कि प्रशासन के जो ये, और लोग क्या आरोप लगाते हैं कि जाया नया नया जो हमारा डॉक्टर लोग बन के आता है ना वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें दुख इस बात की है कि सीनियर डॉक्टर तुरंत अटेंड क्यों नहीं होता है। राइट सर, राइट। कम से कम एक्सपीरियंस डॉक्टर अटेंड हो, ये बदनाम डॉक्टर को ऊपर लगता तो हमें भी खराब लगता कि हमारे इतने इफिशियंट अंडमान निकोबार में डॉक्टर लोग होते हुए भी ये आरोप लगता है। क्या वो लोग अपने आप को मतलब थोड़ा सा और भी एक्टिव करके क्या कोई सर्विस नहीं दे सकते क्या अंडमान? एब्सोल्युटली सर दे सकते हैं, और लेकिन यही चीज को हम लोग डिनाई भी नहीं कर सकते कि मतलब जो भी डेथ हुआ है ये नेग्लिजेंस है या नहीं है, देखिए ये तो रिपोर्ट में ही पता चलेगा, लेकिन हम लोग ये डिनाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि सर देखिए उनका आप या मैं किसी का अगर अटेंडर हो तो अटेंडर को सर इतना तो पता है ना कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, और कोई अटेंडर मतलब देखिए जब सर से पानी अगर ऊपर उठ जाता है तब जाकर जो है जो भी अटेंडर है या जिनके साथ भी ये घटना घटी है वो जो है मीडिया का दरवाजा खटखटाता है। रोहित जी आज मैं इस संदर्भ में आपको एक बात कहना चाहूंगा। जी सर, तो इसमें मेरा भयंकर दुर्घटना हुआ था, मतलब ऑन द वे हम पोर्टबेयर जा रहे थे, जिसघटना में एक्सीडेंट हुआ था जी। मुझे भी जीबी पंत में लिया गया था जी। सर मैं नाम नहीं लूंगा, विशेष डॉक्टर मतलब उन्होंने मेरा शरीर
का जहां भी एक इंजेक्शन मरने से भी हमसे पूछ लेते थे जी। सर आपको मैं अभी ये इंजेक्शन पूछ कर रहा हूं जी। सर आपके बॉडी का ये जगह में थोड़ा हमको सर्जरी करना पड़ेगा, हमारी अनुमति लेके करता था राइट। और आजकल के डॉक्टर अटेंडर को बताते भी नहीं कि आपके पेशेंट को मैं क्या इंजेक्शन दे रहा हूं, आपके पेशेंट को अभी मैं, क्योंकि वो उनका अधिकार बनता है कि उसका अटेंडर को बताए राइट। तो सर ये चीज होना बहुत अति आवश्यक है, डॉक्टर है तो उनको तो सर भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो भगवान नहीं है सर। आप ये बताइए ना, आप शरीर के साथ, आप हमारे शरीर के साथ कुछ भी कर सकता है ऐसा भी नहीं, हमारा अनुमति लेना है उनको राइट। ये बात तो आपने सही कही, लेकिन ये बताइए ना सर, आप जो है उनके फादर से मैंने बात की, उनका इंटरव्यू लिया है, और आपसे जो है टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन द्वारा जो है मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो आपके यहाँ पर जैसा हमें पता चला है कि आप लोग वहाँ पर कुछ स्टेप्स लेंगे, देन जो वहाँ पर धन ऑपरेशन करेंगे, तो कहाँ तक ये बात सच है इसके बारे में बताइए सर। सर विषय कुछ भी हो जी, हमारी गांव की बच्चा का देहांत हुआ है जी, और देखा जाएगा तो ये घटना से जितने लोग सुनेंगे सभी दुखी होंगे, क्योंकि 27 वर्ष के बच्चा है, 29 वर्ष सर, उनके पत्नी और बच्ची भी है जी। अभी जो गया गया उनका परिवार को कौन देखेगा सर, ये बड़ा दुखद है, इसीलिए हम तो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, क्योंकि बिमला जी के साथ भी हुआ जी, ये परामानिक जी के साथ भी हुआ जी, ऐसा और आगे ना हो। और प्रशासन, मैं प्रशासन के अधिकारियों को भी बोलता हूँ कि थोड़ा अपने ये आवाज सुने जनता का। आज मैं बताता हूँ सर, यहाँ से रेफर करने से डिगलीपुर बोलिए, मायाबंदर बोलिए, रंगत बोलिए, कदमतला बोलिए, बराटन बोलिए, बिल्ली ग्राउंड बोलिए, पेशेंट पोर्ट बियर जाने से डरता है, जीवीपन का नाम से डरता है, क्यों? और ये जो डर लोगों का दिल में बैठा हुआ है, ये प्रशासन ही भंग कर सकता है। प्रशासन उतार जाए, डॉक्टर को टीम को लेकर के उतार जाए, अंडमान के लोगों को भयभीत जो है इसको डर निकाले, हर एक जगह में कैंप करे, अच्छे ट्रीटमेंट देने की उनको गारंटी दे, और ऐसा घटना ना हो, इसके लिए उसको सुनिश्चित करे जी। सर आपने अभी जो भी बात हमारे समक्ष रखा है ना, हम ये चीज को जो है, क्योंकि जो भी हुआ है काफी गलत हुआ है, तो अभी आपसे जो हमने बात की है हम जो है अपनी न्यूज में टेलीकास्ट करेंगे, और अगर कुछ भी वहां से अपडेट्स अगर होता है तो आप हमें जो है तुरंत आप हमें बताइए, ताकि इस केस को का जो भी मतलब रिजल्ट आता है वो हम लोग फ्री एंड फेयर हमें चाहिए, और हमारे चैनल के थ्रू जो है हम ये चीज दिखाएंगे भी, क्योंकि देखिए मीडिया काम है सच दिखाना, और इस तरह के केसेस में देखिए कुछ भी हो हमारा जो काम है वो हम जरूर करेंगे, और करते आए हैं और हम करते रहेंगे सर। रोहित जी मैं एकदम मतलब क्लियरली बताता हूँ, आज मैं शाम को एक प्रोटेस्ट करूंगा, बहुत शांतिपूर्ण होगा, और आप जानते हैं कदमताला के लोग बहुत शांति प्रिय है, हम कोई अग्रेसिव नहीं है, प्रदर्शन करना जरूरी है प्रशासन के खिलाफ जी। प्रशासन बोले तो, क्योंकि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो थोड़ा जागे जी, ओके, क्योंकि ओके, इसके विषय में थोड़ा वो भी अपने संज्ञान में ले, और दो चार बात तो कम से कम मीडिया के सामने बोले कि मैं आश्वासन देता हूं ऐसा और आगे नहीं होगा, अंडमान के जो जनजीवन है उसकी सुरक्षा करना हमारी दायित्व तो बनता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट तो दे। जरूर सर, जरूर सर, ये मैं आशा करता हूं जी। ओके सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।